अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है, सब खैरियत? रेड नोटिस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ तुम्हें। ये मूवी असल में डायरेक्टर के साथ तीसरी कोलैबोरेशन है हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन की, मतलब कि द रॉक की। जहाँ इससे अगली चीज़ जुड़ती है वो ये है कि तुम्हें पता है मूवी सीरियस नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कास्ट बहुत अच्छी है, कास्ट संभाल लेती है। जहाँ अगर कोई और होता कास्ट में तो माइट बी पॉसिबल मूवी उस तरीके से ना अपना नाम बना पाती, ना उस तरीके से कलेक्शन हासिल कर पाती। उसने कास्ट रखी वो परफेक्ट है, मतलब कि ए ग्रेट की है, जिसमें तुम देख सकते हो हमारे पास आता है रैन रोनॉल्ड, वो इस मूवी के अंदर एज डेडपूल लग रहा है, गैल गैडोट की ब्यूटी और रॉक का एक्शन कहीं ना कहीं। और अगर मैं तुम्हें सीधी सीधी तरीके से बताऊं, मूवी की कहानी मैटर नहीं करती। सारा कुछ अगर चल रहा है, मूवी ने कलेक्शन हासिल करी है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी कास्ट काफ़ी अच्छी है। डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार मैं ये कास्ट रखूँगा, आवाम आएगी, आवाम देखेगी। और जिस टाइम पर ये रिलीज़ हुई है, अगर एक्सट्रैक्शन हिट हो गई तो उसके बाद अगर कोई आई तो वो ये थी। ये जिस टाइम पर रिलीज़ हुई है यकीन करो वो गोल्डन टाइम था। जहाँ अगर मैं तुम्हें बताऊँ मूवी की कहानी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा सिनॉप्सिस बता दूँ वो ये बताऊँ, एक छोटा सा ब्रीफ दे दूँ, तो वो ये होगा कि तीन अंडे हैं, मतलब कि थ्री एग्स हैं, जो कि उनको एज बचा के रखा जा रहा है, उनको एज महफूज रखा जा रहा है एज ज्वेलरी। लेकिन अचानक होता क्या है कि वो तीनों अंडे या तीनों एग्स अचानक एक एक करके गायब होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर उन तीनों को तुम जोड़ दो, तीनों अंडों की जो कीमत है वो मल्टी मिलियन के अंदर चली जाती है। जहाँ और अगर एक आखिरी बात की जाए वो ये है कि इसकी मूवी के अंदर ग्लैमर है, कास्ट अच्छी है और मूवी एक तरीके से मज़ा देती है। यही था सब कुछ। तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस जैसी वीडियोस देखने चैनल को मारो सब्सक्राइब। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।